हेलो, कौन बोल रहा है? ये फोन नहीं है यार, ये फोन जैसी ही गेमिंग कंसोल है जिसका हम रिव्यू करेंगे आज, और बड़ा मजे से रिव्यू करेंगे। हमारे साथ रहें, रुको जरा, सब्र करो, उसका ही रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें अनबॉक्सिंग, और फिर चलते हैं वापस अपनी तरफ। फिर हम करेंगे हर गेम का टेस्ट, और ये बहुत छोटी सी जो दुनिया कंसोल हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये फ्यूचर है यार। इसमें आपको PlayStation 4, 5, PlayStation 3, 2, 1, निंटेंडो स्विच, निंटेंडो वी, रेट्रो गेम्स, स्नो ब्रॉस, हमारी जितनी फेवरेट गेम्स हैं सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और ये खेलने में बहुत मज़े की है, डिस्प्ले आउट भी देती है, कंसोल भी है, हैंड हेल्ड भी है, और पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे चैनल पे अनबॉक्स हो रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है यार। दिस इज़ एनबेरिक। ये हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सबसे दुनिया के सबसे छोटे कंप्यूटर की। दिस इज़ ब्रेक, ये इसका बॉक्स है। और सबसे पहले जो हमें वीडियो स्पॉन्सर की है वो की है जैन आई केयर मोबाइल से, जो खुद मैं हूँ। और अच्छा, सबसे पहले इसमें आता है ऊपर एक सॉफ्ट सा, ताकि ये कहीं पार्सल में आ जाए तो ख़राब ना हो। उसके बाद क्लीनिंग क्लॉथ के लिए थोड़ा सा आता है वाइप्स, ये फिर इसकी आती है कैटलॉग। कैटलॉग एक साइड पे चाइनीज़ है, एक साइड पे इंग्लिश है, जिसमें कुछ ऐसी स्पेक्स लिखी हुई हैं कि जैसे रीसेट कैसे करना है, सेलेक्टिंग कैसे कीज़ करनी है, और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। दिस इज एंड ब्रेक। ये इस वक्त का दुनिया का सबसे बेस्ट पीसी है। और ये स्टीम डेक में आपको एक प्रॉब्लम आती है, स्टीम डेक जो है वो सिर्फ स्टीम की हद तक है, ये इसमें प्रॉपर विंडोज होने की वजह से ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसको हम कर लेते हैं पावर ऑन। बल्कि आपको पहले कीज़ बताता हूँ, ये पावर ऑन की है, वॉल्यूम रॉकर दिया है, ऊपर इनके दो ट्रिगर हैं, बल्कि चार ट्रिगर, L1, L2, R1, R2। उसके अलावा रीसेट का, इनके पिन से आप रीसेट कर सकते हैं, रीसेट से मतलब रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये है 3.0 की, इसमें USB, जिसमें आप SSD 90 MB या 100 MB के करीब इसमें आप स्पीड ले सकते हैं। OTG यानी कि ऑन द गो, ये है आपकी DC OTG, यानी कि चार्ज भी यहीं से होगी, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यहाँ से आप इसको TV को डिस्प्ले भी दे सकते हैं। ये इसकी आउट वेंट है, बाहर निकालने वाली हवा, और ये इसका फ़ैन है जहाँ से इनटेक करता है। और पीछे इसका मॉडल मेंशन है, एनबेनिक मॉडल नंबर है जी Win 620W पे चार्ज होता है, मेड इन चाइना, प्लास्टिक बॉडी है, और लेकिन ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसके साथ उन्होंने प्रोटेक्टर दिया था बहुत अच्छी क्वालिटी का, जो मैं लगा चुका हूँ, और उसके बाद इसकी जो टच वो ज़्यादा मज़े का चल रहा है। इसको कहते हैं अभी ऑन, ऑन होने की स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे वन टाइम में तो ग्रीन लाइट, वाइट लाइट चल जाएगी। ये देखें, जस्ट इतनी ही स्पीड में ऑन हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन 1 सेकेंड 1.2 सेकेंड। इसको हम अपने लगाएंगे की, इसका साइज़ को बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने इसको कंपैरिजन किया है अपने आईफोन 13 के साथ। ये है आईफोन 13 मेरा, और ये है गेम सारा। अब इसकी गेमिंग टेस्ट करना चाहते हैं, जो जो इस चीज़ को शौक़ रखते हैं वो वीडियो एंड तक देखें। इसकी प्राइस भी एंड पे बताऊँगा, पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है वो भी बताऊँगा। बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, और ये चाइनीज़ ही कंप्यूटर काउंट होता है, लेकिन ये अच्छी ब्रांड में आ जाती है, जो रिलायबल है, चलता है। इसके जॉयस्टिक जॉयपैड भी आते हैं, और इसका ये PC भी आता है। ये जो है ये गेमिंग एक्सपर्ट कंपनी है, AMD का प्रोसेसर लगाती है, और 8 GB रैम और 256 GB स्पेक्स के साथ ये पाई जाती है। और AMD Ryzen इसका जो है प्रोसेसर का नेम है, वो भी आगे चल के मैं आपको CPU ID में दिखाऊँगा। उसके अलावा जो है इसको आप अपग्रेडेबल भी कर सकते हैं, ये लिमिटेड नहीं है। और साइज़ आप देख सकते हैं कि जस्ट मेरे एक हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर आप निंटेंडो वी चला चुके हैं, अगर आप निंटेंडो वी के यूज़र रहे हैं, तो भूल जाएंगे निंटेंडो वी आप, क्योंकि ये निंटेंडो वी को भी जो है वो क्रॉस करने वाली है। क्योंकि निंटेंडो वी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ आती है, सिर्फ निंटेंडो की गेम्स प्ले करती है। इसमें आपको अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आप Tekken 7 प्ले कर सकते हैं, नीड फॉर स्पीड पेबैक प्ले कर सकते हैं, GTA 5 प्ले कर सकते हैं, और जब GTA 6 आएगी तब भी प्ले कर सकते हैं, चाहे लो रेजोल्यूशन पे हो, लेकिन प्ले तो कर सकते हैं ना यार।
आपको कंसोल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये दिस इज टू गुड। तो आइए इसकी देखते हैं आगे डिटेल्स, बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं। और ये आपका जो है बटन उसका आ जाएगा कीबोर्ड ऑन ऑफ करने का, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी ये इस वक्त मूड है ये गेमिंग मूड पे हम इसको करते हैं माउस मोड, आपको आवाज़ आई होगी, ये देखिए माउस आ गया मेरे पास। और इसमें सबसे जो परफेक्ट चीज़ है वो ये है कि आपने कोई भी चीज़ अगर प्ले करनी है गेम, या अब इसकी हम स्पेसिफिकेशन आपको चेक करवाते हैं, तो ये सिलेक्ट का बटन बन जाएगा, ये राइट क्लिक का बटन बन जाएगा, ये देखें कोई भी चीज़ अपने आप सेलेक्ट करनी है, ये देखें सिंपली आप इसको इजीली चला सकते हैं। इसको करें यस, ये इसकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। हम आ जाते हैं ग्राफिक्स में, इसमें AMD Vega 3 ग्राफिक्स यानी कि 2.5 GB का ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल्ड है प्री, मतलब आप इसको जो है वो ऑलमोस्ट आप इसमें टेकन 7 GTA 5 बहुत ही स्मूथली PS4 की गेम्स आप इजीली रन कर सकते हैं। तो ये टच पैनल के साथ भी बड़ा अच्छा काम करती है, टच पैनल इसका बिल्कुल भी मिस नहीं होता। बैटरी सेविंग का ऑप्शन जो है वो मैंने इसमें बैटरी सेविंग में ऑन करके तकरीबन GTA को 2.5 घंटे खेला है, अभी जो है ये 96% बैटरी है और ये भी तकरीबन हाई परफॉर्मेंस में 2 घंटे निकाल जाएगी। टेकन 7 इज़ रेडी फॉर रनिंग, बहुत ही बेस्ट स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ ही आपको वर्क करती है। और इसकी जो स्क्रीन है उसके साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ, मुझे अनबिलीवेबल था कि ये, मैंने मंगवाने से पहले सोचा था कि यार शायद ना ये मुझे स्क्रीन से इतना सेटिस्फाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो जो है वो LED के साथ आती है Nintendo Switch, लेकिन इसकी जो मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन बेहतर लगी है, मज़े की लगी है। Nintendo LED के साथ तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन Nintendo Switch जो सिंपल है उसके साथ तो ये बिल्कुल नहीं कंपेयर की जा सकती, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट 720p की स्क्रीन देता है, लेकिन आउट क्लास परफॉर्मेंस के साथ आपको हर वो गेम मिलती है जो Nintendo Switch आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती। ये देखें, अच्छा इसमें ये चीज़ है कि ऑफलाइन आर्केड स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपको इसमें स्मूथ वर्क करती हैं। मेरी नज़र में जो है ये एक ना मिनी PC बहुत बड़ी जो है इनोवेशन है, आप देख सकते हैं वेरी वेरी स्मूथ। हम लेते हैं अपना फेवरेट पाउ और बड़े पंची से कलर हैं इसके, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, सेटिस्फाइड कलर हैं। आपको ये नहीं लगता कि यार इसकी रेजोल्यूशन इसके लिहाज से कम है, और फिर अगर आपका यही दिल करे तो आप इसमें Type-C की HDMI लगा के इसको इजीली TV पे आउटपुट ले सकते हैं, और इसके साथ अगर कोई भी USB Xbox का कंट्रोलर लगा लें या Xbox One का कंट्रोलर वायरलेसली कनेक्ट कर लें, PlayStation 4 का कनेक्ट कर लें, तो ये समझ लें कि PS4 आपके हाथों में है। ये देखें ना, ये बेहतरीन और स्मूथ वर्किंग है, 60 FPS के साथ चल रही है, ये देखें कहीं से भी कोई कमी नहीं है यार, इट्स अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। मैं आपको GTA भी चेक करवाता हूँ इसमें, ये देखें ये भी ना बात है, दैट्स गुड परफेक्ट। और इसमें बहुत ही लाइट और स्मूथ एक वाइब्रेट मोटर भी लगाई है उन्होंने, ताकि आपको जो है वो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया जाए। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा इसको छोड़ने को कि फेवरेट प्ले GTA। वेरी स्मूथ ट्रैकपैड, इसमें मैंने रेट्रो गेम्स भी प्ले किए हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ग्राफिक्स 720p पे रेजोल्यूशन इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन टेक्सचर क्वालिटी ठीक दे रहा है, नॉर्मल पे चल रही है, हाई पे करके भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये फिलहाल नॉर्मल पे चल रही है। क्विट, हम लगा लेते हैं जी इसमें रेजिडेंट ईविल ओपन। यार इसमें हर गेम मज़े की चल रही है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त इसने इस एक्सपीरियंस बहुत मज़े का दिया है। प्ले स्टोरी कंटिन्यू एकेडमी, न्यू गेम नेक्स्ट प्ले। और इसमें एक और चीज़ बड़ी प्लस पॉइंट की है कि आप इसमें रैम और अपनी आप हार्ड ड्राइव जितनी मर्जी अपग्रेड कर सकते हैं, पीछे 2-3 स्क्रू हैं, ये निकाल के आप इजीली लैपटॉप की तरह इसमें जो है आप इजी स्केप स्टार्टेड गेम। ये वैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम प्ले किया है वीडियो के दौरान, मैं रेजिडेंट इतना कोई रेजिडेंट खेलता नहीं हूँ, बट मैंने इसको रिव्यू के लिए इंस्टॉलेशन की थी, लेकिन इट्स रियली गुड ग्राफिक्स, यू नो
कि आप, मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपको PlayStation 3, 4 का मज़ा आपको मिलेगा और इसमें वो हर गेम मिलेगी जो आपको Xbox, PS4 और कंप्यूटर में चाहिए। इसमें आपको मल्टीपल सारी गेम्स मिल जाएंगी और इसमें फिर ये भी है कि जो लोग वी में जेल्डा गेम पसंद करते हैं जिसको बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, तो आप इसमें वी का एमुलेटर करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने चलेगा लोड कंटेंट, ये मैंने किया इंस्टॉलेशन, डाउनलोड्स, आर्केड, रेट्रो। इसमें मैंने कुछ गेम्स किए हैं हमारी जो बचपन की होती थी, मज़े किया, जैसे स्नो ब्रॉस। इसको ही प्ले करते हैं सबसे पहले। उसने कहा सेगा में, दिस वन सेगा, ओके प्ले नाउ। दैट इज एंजॉयमेंट ब्रो, हाहा माय लव। वे रेड बॉटल ए डैश, ओके। पहली बार में आ गई वैसे यार, ये आती नहीं होती ना। तो गाइस सोच तो रहे होंगे कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है, तो सोचें कि ये कितना मज़े का एक्सपीरियंस देती है। ओ ओ ओ यार, मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था इसलिए सॉरी। अच्छा अब ये जो रेट्रो आपने ऑफ़ करनी है, तो आप इसको कीबोर्ड माउस पे लेके जाएंगे, दो दफ़ा बटन दबाएंगे, एग्जिट हो जाएगा। उसके अलावा हम इसमें इनसाइड प्ले कर सकते हैं, इनजस्टिस प्ले कर सकते हैं, GTA मैंने आपको प्ले करके दिखाई है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो और भी कर सकते हैं। ये ले ओपन, ग्राफिक्स चेक करें यार, कितने लविश आ रहे हैं, मज़े के ग्राफिक्स आ रहे हैं। शायद स्क्रीन की वजह से आपको इतना को मज़ा ना आ रहा हो, मैं स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चाहता हूँ इसमें। Begin. आजा भैया आजा। आप वर्किंग देख रहे हैं कितनी मजे की स्मूथ चल। और इसी के साथ आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कोई कंप्लेन हो, या अगर आपके पास इससे भी कोई बेहतर चीज़ हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी ये शॉप है आई केयर मोबाइल्स, डी ग्राउंड, फैसलाबाद में। आपको इस तरह के जितने भी गैजेट्स हैं आपको आई केयर मोबाइल शॉप से मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें लाजमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।